जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें बाइक्स का काफी बड़ा योगदान था। उसमें से सबसे स्पेशल कंपनी जो थी, जो सबसे ज्यादा फेमस हो गई थी, वो नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग घर पे बैठे हैं और ऐसे ही सोचते सोचते मुझे अचानक से एक ख्याल आया कि बाइक तो सब लोग चलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बाइक का आविष्कार किसने किया था और उसका रीज़न क्या था और उसके साथ सबसे पहला ऐसा कंपनी कौन सा था जिसने बाइक बनाया था। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल्स देना चाहूँगा जिससे आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाए और आपको कुछ जनरल नॉलेज भी मिले। वैसे जब भी बाइक का आविष्कार किया गया था तभी फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम या इंटरनेट नहीं था, तो लोग अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे। इसीलिए बहुत सारे जगह पे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके की बाइक्स बनाई थी, लेकिन उसमें से सबसे पहला जो बाइक बनाया था जो कि पेट्रोल पे चलने वाला था, यानी कि स्टीम पे चलने वाले भी बाइक बनाई थी, लेकिन पेट्रोल पे चलने वाला सबसे पहला बाइक का आविष्कार किया गया था 1885 में, जिसका नाम था गॉटलिब डाइमलर और विलहेम मेबैक ने। और ये इसके पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि ये था कि ऑफकोर्स वो टाइम पे लोग लाइक घोड़े पे और हाथी पे लाइक चल के जाते थे, एनिमल पावर यूज़ करते थे और मसल पावर भी यूज़ होता था। तो वो टाइम पे उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा मॉडल बनाऊँ जिसमें लाइक ऑटोमोबाइल लाइक कार के रिगार्डिंग डिज़ाइन बना रहे थे, लेकिन कार के जितना डिज़ाइन और वो वर्क करना लाइक वो टाइम पर बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने सबसे पहले टू व्हीलर्स पर ये चीज़ ट्राई किया था और फिर उसके बाद उन लोगों ने ऑटोमोबाइल पर ट्राई किया। तो ये जर्मनी में हुआ था और उसके बाद ये सी चीज़ें धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ। उन्होंने सबसे पहले बाइक का डिज़ाइन बनाया था और अपना वो डिज़ाइन उन्होंने किसी कंपनी को दिया था जिसने बाइक्स बनाने का स्टार्ट किया था। फिलहाल तो अभी वो कंपनी की बाइक्स आती नहीं है, तो वो टाइम पे एक ऐसी कंपनी थी जो अभी आज भी मौजूद है जिन्होंने वो बाइक बनाना स्टार्ट किया था आई थिंक सो 1898 में। तो उसका नाम है ट्रायम्फ। यस, इंग्लैंड के अंदर ट्रायम्फ ने सबसे पहले कंपनी चालू की थी और जिसने बाइक्स बनाना स्टार्ट किया था। इसके अलावा एक और कंपनी है जो कि मे बी आपने ये सोचा नहीं रहेगा कि वो कंपनी उतनी पुरानी है और वो भी इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी, जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड। तो पहले ट्रायम्फ ने स्टार्ट किया था, उसके एक साल बाद रॉयल एनफील्ड ने स्टार्ट किया था। उसके बाद अमेरिका में भी बाइक्स बनाने की कंपनी स्टार्ट हो गई थी। और जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अमेरिका में जिस कंपनी ने स्टार्ट किया था उसका नाम था इंडियन मोटरसाइकिल्स करके, और उसके आई थिंक सो 2 साल के बाद हार्ली डेविडसन ने भी अपनी कंपनी स्टार्ट की थी। तो इन दोनों के बीच में टफ कॉम्पिटिशन था वो टाइम पर। और मैं आपको बोल दूँ कि लाइक वो ये बाइक्स की कंपनियाँ इतनी जूनी है। एक छोटी सी चीज़ मैं साथ में आपको और बताना चाहूँगा कि जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें बाइक्स का काफ़ी बड़ा योगदान था। उसमें से सबसे स्पेशल कंपनी जो थी, जो सबसे ज़्यादा फेमस हो गई थी, वो थी रॉयल एनफील्ड। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल, यानी कि इंडिया में कितने तरीके की मोटरसाइकिल मिलती है, और ये वीडियो उस वीडियो से रिलेटेड ही है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बी सेफ एंड स्टे सेफ़।